आज झारखंड के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वैसे इस राज्य में मुझे लगता है आजादी, देश आजादी से लेकर अब तक और उससे पहले भी कई कड़ियां जुड़ी हैं। मुझे लगता है कि उद्योग, तकनीक और इस राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिज संपदाओं को लेकर कई चीजें स्थापित हुई। झारखंड चूंकि कहने के लिए तो ये राज्य जरूर पिछड़ा राज्यों में से आता है, लेकिन मुझे ये बात कहने में थोड़ी तकलीफ होती है कि आखिर ये राज्य पिछड़ा राज्य के लाइन में क्यों खड़ा है, जबकि इतने ऐतिहासिक कड़ियां इसके साथ जुड़ी है, उसके बावजूद अभी भी इसका कोई मुकम्मल हल तो मैं अभी ढूंढ नहीं पाया हूं, लेकिन प्रयासरत जरूर हूं। और इस पिछड़ापन से हम कैसे बाहर निकलें, इसके रास्ते तलाशने में मैं लगा हुआ हूं। अलग अलग कार्य योजना यहां के लोगों के समझ बूझ के अनुरूप, यहां के युवा पीढ़ियों के सोच के अनुरूप और आने वाले समय में भविष्य में किस और हमें जाना है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम अपने काम में लगे। आज जिस कार्यक्रम को लेकर हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं, ये हमारे देश के लिए एक चर्चा का विषय बरसों से रहा है, लेकिन आज हम चर्चा नहीं धरातल पर उतारने का हम लोगों ने पहला कदम उठाया। और इस राज्य में ऐसी नहीं है कि इस राज्य को पिछड़ेपन से, पिछड़े राज्य से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसे नहीं है कि यहां पर नौजवानों की कमी है, काम करने वालों की कमी है, हुनहार यहां पर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी कमी है, बशर्ते जो हम नीति निर्धारण करने वाले लोग यहां पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो इस बात को भी समझे कि हमें इस राज्य के लिए क्या करना चाहिए। आज झारखंड जैसे अभी मुख्य सचिव जी ने बताया कि हम 30% पूरे राज्य जंगलों से घिरा है। अगर हम छोटे मोटे झाड़ झंकड़ को देखें तो लगभग उसमें मिलाकर के 50% हो जाता है। और आज जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियां, बड़ी बड़ी सेमिनार, बड़े बड़े
अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी, राष्ट्रीय पटलों पर भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी इस विषय पर अपने इस राज्य में इस विषय को लेकर कुछ ना कुछ चर्चाएं हम लोग कर भी रहे हैं। कुछ उसमें कैसे हम लोगों को भी इसमें इस चर्चा का एक हिस्सा बनाए। हम सिर्फ सरकार के अंदर ही इसकी चर्चा करके हम इस पर कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। जब तक इसमें जन सहभागिता नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा रहेगा। तो हम ये लोगों को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं, दिल्ली का जलवायु परिवर्तन की खबरें हम सब सुनते हैं, देखते हैं। आज उस राज्य के वातावरण को नॉर्मलाइज करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें आकर के कभी पानी का छिड़काव करती है, तो कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। ये प्रकृति के साथ चुनौती मोड़ना बहुत भारी पड़ता है इंसानों को। आज पहाड़ी इलाका देख लीजिए, जितने भी हमारे नैनीताल और हिमाचल हैं, उन सब जगहों का जाके देखिए किस तरीके से आज पहाड़ के पहाड़ अब मैदान बनने की तैयारी में है। घर, सड़कें, जान माल की नुकसान लगातार हमें सुनने को मिल रहा है। कहीं सुखाड़ तो कहीं बाढ़, बड़ा विचित्र का स्थिति। और वो अब पहले वक्त बहुत धीरे चलता था, क्योंकि हम उस समय प्रकृति के साथ